हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन होट 211 प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर वेजिटेबल्स एंड स्पाइसेस लेक्चर 21 कैबेज कल्टीवेशन। इन दिस लेक्चर आई विल कवर ऑल कल्चर प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू कैबेज कल्टीवेशन लाइक सोयल, क्लाइमेट, सीड रेट, सोइंग टाइम, मैन्योर फर्टिलाइजर, इरीगेशन, वीडिंग, हार्वेस्टिंग, ईल्ड, इंसेक्ट पेस्ट, डिजीज मैनेजमेंट। लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। ऑथर नेम, पत्ता गोभी, बंद गोभी, इसे हिंदी में कहा जाता है, बंदा कापी, कर्म काल, कुछ क्षेत्रीय भाषाओं में से कहा जाता है। बोटनिकल नेम, ब्रेसिका ओलेरेसिया वराइटी कैपिटाटा, जो इसका वानस्पतिक नाम है ब्रेसिका ओलेरेसिया वराइटी कैपिटाटा है। फैमिली क्रूसीफेरी, कभी कभी इसे ब्रेसिकेसी भी कह देते हैं। क्रोमोसोम नंबर 2N बराबर 18 होते हैं इसके डिप्लोइड क्रोमोसोम नंबर। ओरिजन मेडिटेरियन रीजन, भूमध्य सागरीय क्षेत्र। एडिबल पार्ट हेड होता है, ठीक है, जो कि एक टर्मिनल बर्ड है, एनलार्ज टर्मिनल बर्ड। फ्रूट टाइप सिलिकुआ होता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, कोल क्रॉप्स, कई बार पूछी जाती है कोल क्रॉप्स की डेफिनेशन, कोल क्रॉप्स क्या है, ठीक है, कोल क्रॉप्स क्या होती है। कोल वर्ड कम्स फ्रॉम कैलिस मीनिंग स्टेम, कोल मीनिंग ए ग्रुप ऑफ हाईली डिफ्रेंशिएटेड प्लांट्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम ए सिंगल वाइल्ड कैबेज ब्रेसिका ओलेरेसिया वराइटी साइलवेस्ट्रिस, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो कॉलिस, जैसे कॉलिस है, कॉलिस का जो मेन ये कह लो कि मतलब क्या होता है, तना, स्टेम, ठीक है। और ये हिंदी में बताएं तो एक ही जंगली गोभी से उत्पन्न होने वाले अत्यधिक विभेदित पौधों का समूह, जंगली गोभी ब्रेसिका ओलेरेसिया वराइटी साइलवेस्ट्रिस, जो इससे निकली हुई बहुत से विभेदित पौधों का एक समूह है या ग्रुप है, वो कोल क्रॉप्स कहलाती हैं, ठीक है। जंगली गोभी से निकली हुई जितनी भी उसकी विभेद है, वो सारे के सारे कोल क्रॉप्स कहलाते हैं, ठीक। इन द वर्ल्ड इंडिया रैंक सेकंड इन कैबेज प्रोडक्शन, विश्व के अंदर भारत दूसरे नंबर पे आता है कैबेज प्रोडक्शन के अंदर। पहले नंबर पे चाइना है, दूसरे नंबर पे इंडिया है, तीसरे नंबर पे आता है रसिया, ठीक है। इन एरिया फ्रॉम द टोटल कल्टिवेटेड एरिया अंडर वेजिटेबल कैबेज कंट्रीब्यूट 4% एरिया, जो इंडिया के अंदर टोटल सब्जियां कल्टिवेटेड होती हैं उनमें से कैबेज 4% क्षेत्र पे कैबेज की कल्टीवेशन होती है, पत्ता गोभी की खेती की जाती है। रोमा कंटेनिंग कंपाउंड प्रेजेंट इन रॉ कैबेज इज एलिल आइसोथायोसाइनेट एंड इन कुक्ड कैबेज डाईमिथाइल डाईसल्फाइड, जो इसमें अरोमा होती है, इसकी जो विशेष सुगंध होती है कैबेज की कच्ची जो गोभी होती है उसकी, तो उसकी तो एलिल आइसोथायोसाइनेट के कारण होती है कच्ची गोभी की। और जब वो उसको पका लिया जाता है, ठीक है, जहाँ उसको बॉयल कर लिया जाता है, जब उसकी जो स्मेल रहती है वो डाईमिथाइल डाईसल्फाइड के कारण होती है पकी हुई की। 30% एरिया इज कवर्ड बाई कैबेज हाइब्रिड कल्टीवार्स इंस्टेड ऑफ अदर कल्टीवार्स, जो इसका 30% जितनी भी इसकी कल्टीवेशन होती है उसमें से जो 30% इसकी किस्में बोई जाती हैं वो हाइब्रिड किस्में बोई जाती हैं, संकर किस्में बोई जाती हैं। कैबेज इज ए लॉन्ग डे प्लांट, कैबेज दीर्घ दीप्तिकालिक पौधा होता है, मतलब इसे लंबे दिन वाली अवधि चाहिए होती है। कैबेज इज क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप, ये क्रॉस पोलिनेटेड होता है कैबेज, पर परागित फसल होती है। राउंड हेडेड वराइटीज मैच्योर अर्लियर देन द कोनिकल वराइटीज, जो इसकी कोनिकल या शंकुकार किस्में होती हैं जिनमें इसके जो फल कोनिकल या ओवल अंडाकार से बनते हैं, उनकी तुलना में जो गोल हेड वाली होती है, जिनका जो हेड जो होता है गोभी होती है वो गोल होती है, वो जल्दी मैच्योर हो जाती है, वो जल्दी परिपक्व वाली किस्में होती हैं। स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पेबिलिटी प्रेजेंट इन कैबेज, कैबेज है इसके अंदर स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पेबिलिटी पाई जाती है। सेल्फ इनकम्पेबिलिटी मतलब
दोनों के दोनों जो ऑर्गन होते हैं मेल और फीमेल दोनों के दोनों वायबल होते हैं, पर क्रॉस नहीं हो पाता। क्रॉस किसके कारण नहीं हो पाता, जो पोलन होते हैं उनका जीनोटाइप इस चीज को गवर्न करता है स्पोरोफिटिक के अंदर, ठीक है, उसके कारण इसमें पोलिनेशन नहीं हो पाता। रेस्पायरेशन रेट ऑफ कैबेज इज लो, जो श्वसन दर होती है कैबेज की वो कम होती है, मतलब इसे लंबे टाइम तक स्टोर, कुछ समय तक इसको स्टोर करके रखा जा सकता है। ए टॉक्सिक कंपाउंड सिनिग्रीन प्रेजेंट इन कैबेज, कैबेज के अंदर एक ये कह लो कि विषाक्त पदार्थ पाया जाता है जिसे सिनिग्रीन कहते हैं। साबोए कैबेज ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी सबूडा, इसमें एक साबोए कैबेज भी होती है, मतलब अलग थोड़ी सी ये स्पीसीज है और होती कैबेज जैसी है। इसमें थोड़ा सा अंतर क्या रहता है, इसके जो पत्ते होते हैं थोड़े लेदरी होते हैं और उभरे हुए दाने दाने से दिखाई देते हैं उसके ऊपर। तो ब्रैसिका ओलेरेसिया वैरायटी सुबुदा साबोए कैबेज का कभी अगर साइंटिफिक नेम पूछा जाए तो। वाइल्ड कैबेज का मैंने पहले भी बताया था, जो इससे उत्पन्न सारे विभेद है वो कोल क्रॉप्स कहलाते हैं, वही चीज ब्रैसिका ओलेरेसिया वैरायटी साइल्वेस्ट्रिस। ठीक, हाइब्रिड वैरायटीज आर डेवलप्ड यूजिंग साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी विच इज प्रेजेंटेड इन कैबेज। हाइब्रिड जो किस्में तैयार की जाती हैं, संकर किस्में, जो इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी होती है उसके थ्रू पैदा की जाती हैं। ठीक है, मेल स्टेरिलिटी मतलब जो इसका फीमेल सॉरी मेल पार्ट होता है वो वाइबल नहीं होता, एक तरीके से कह लो कि वो पोलिनेशन नहीं कर पाता। ब्लैक लेग डिजीज मोर इफ कल्टिवेटेड इन सैलाइन सोयल, अगर इसकी कल्टीवेशन लवणीय मृदा में की जाती है तो इसमें ब्लैक लेग जो बीमारी है वो ज़्यादा प्रभाव डालती है। टेम्परेट क्लाइमेट इज सुटेबल फॉर कैबेज सीड प्रोडक्शन, जो टेम्परेट कह लो जो शीतोष्ण वाली जलवायु है, ठंडी जलवायु है, वो इसके बीज उत्पादन के लिए उत्तम रहती है। वैसे तो अपने इसकी कल्टीवेशन वेजिटेबल के लिए पर्पज से ही करते हैं, सीड प्रोडक्शन नहीं करते, पर जहाँ पे भी इसका सीड प्रोडक्शन किया जाता है वो ज़्यादातर टेम्परेट क्लाइमेट के अंदर किया जाता है, और वैसे भी ये बाइनियल होती है उस समय ये फसल। ठीक, एरिया एंड प्रोडक्शन, जो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड 2018 का लेटेस्ट डाटा है उसके अनुसार वेस्ट बंगाल क्षेत्र वाइज सबसे ऊपर है और प्रोडक्शन भी सबसे ज़्यादा है। इसका जो प्रोडक्शन है वेस्ट बंगाल का 79.46,000 हेक्टर, ठीक, और इसका जो प्रोडक्शन है 2,288.50,000 मेट्रिक टन। फिर दूसरे नंबर पे क्षेत्र वाइज बिहार आता है, पर प्रोडक्शन में ओडिशा आएगा। ठीक है, बिहार का है 37.94,000 हेक्टर और इसका जो प्रोडक्शन है 673.44,000 मैट्रिक टन। फिर जो क्षेत्र वाइज है उड़ीसा है 37.74,000 हेक्टर और ये सेकंड नंबर पे आता है प्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, प्रोडक्शन इसका बिहार से ज़्यादा है, तो ये है 1,058.78,000 मैट्रिक टन। फिर इसके बाद आसाम आता है क्षेत्र वाइज 33.24,000 हेक्टर और इसका जो प्रोडक्शन है 640.13,000 मैट्रिक टन। और मध्य प्रदेश क्षेत्र वाइज पांचवें नंबर पे आता है, पर ये अगर प्रोडक्शन की बात की जाए तो ये तीसरे नंबर पे आता है। ठीक है, तो 29.89,000 हेक्टर और इसका जो प्रोडक्शन है 686.91,000 मैट्रिक टन। फिर इसके बाद गुजरात का नंबर आता है और कुछ अदर स्टेट्स के अंदर भी इसकी कल्टीवेशन होती है। तो इसका जो टोटल कैबेज का प्रोडक्शन है और क्षेत्रफल है इंडिया के अंदर वो है क्षेत्रफल 398.51,000 हेक्टर और जो इससे प्रोडक्शन होता है जहाँ 2018 के अंदर जो प्रोडक्शन था इसका 9,37.34,000 मैट्रिक टन, जहाँ ये कह लो कि
9.3 मैट्रिक टन। ठीक। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, इंडोल 3-कार्बिनोल एंड एंटी कैंसर कंपाउंड प्रेजेंट। एक इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टी होती है कैबेज के अंदर, जो एक एल्केलॉइड पाया जाता है उसके कारण, जो जिसका नाम है इंडोल 3-कार्बिनोल। मतलब इंडोल 3-कार्बिनोल के कारण इसकी एंटी कैंसर गुण होते हैं गोभी के अंदर। इसके अलावा श्योर क्वाड, कई बार डेफिनेशन में पूछा जाता है, याद रखना श्योर क्वाड ये एक प्रोसेस्ड प्रोडक्ट है, जहाँ ये कह लो कि एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है, कैबेज से बनता है, वाइट कैबेज से बनता है। ठीक है, जिसका उपयोग स्कर्वी जो बीमारी है उसके अंदर यूज किया जाता है। इट इज प्रोसेस्ड प्रोडक्ट प्रिपेयर फ्रॉम वाइट कैबेज एंड यूजफुल इन स्कर्वी। ठीक, होता क्या है, जो एक तो ये सोच लो कि स्वेर कैट के अंदर की ये एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब होता है कैबेज का फर्मेंटेशन, कैबेज फर्मेंटेशन। ठीक है, जर्मन शब्द है श्योर कैट। और इसके अंदर होता क्या है कि जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है वो जो पत्तियों के अंदर शुगर होती है उसको फर्मेंटेड कर देता है, और उससे एक खट्टा, एक विशेष प्रकार का खट्टा, और ये कह लो कि जिसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा हो, ऐसा प्रोडक्ट बना देता है। मतलब उसको लंबे टाइम तक स्टोर करने लायक बना देता है उसके फर्मेंटेशन करने के बाद। और इसमें याद रखना कि इसमें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है इसके जो फर्मेंटेशन के अंदर, स्वरक्वेट के अंदर। मतलब एक तरीके का एल्कोहलिक प्रोडक्ट है ये। इसके बाद कैबेज कंटेंस 91.9 ग्राम मॉइस्चर, 1.8 ग्राम प्रोटीन, 4.6 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 0.06 मिलीग्राम थियामीन, 0.03 मिलीग्राम राइबोफ्लोविन, 2000 IU विटामिन ए एंड 124 मिलीग्राम विटामिन सी पर 100 ग्राम एडिबल पोर्शन। कैबेज के अंदर 91.9 ग्राम मॉइस्चर पाया जाता है, 1.8 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है, और 4.6 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है, और 0.06 मिलीग्राम थियामीन पाया जाता है, 0.03 मिलीग्राम राइबोफ्लेविन होता है, और 2000 IU विटामिन ए होता है, मतलब विटामिन ए के अंदर रिच होता है, और 124 मिलीग्राम विटामिन सी भी होता है। ठीक, विटामिन सी में भी ये रिच है, जिसके कारण इसकी जो स्कर्वी डिजीज है इससे ये उसके लिए फायदेमंद है। कैबेज हैव ए कूलिंग इफेक्ट एंड हेल्प इन द प्रिवेंशन ऑफ कॉन्स्टिपेशन। कैबेज है एक ठंडा प्रभाव डालता है शरीर के अंदर, और ये जो कब्ज होती है उसका नाशक होता है, कब्ज के लिए अच्छा होता है। और इट इज स्पीड अप डाइजेशन, इंक्रीज एपेटाइट एंड यूजफुल फॉर डायबिटिक पेशेंट्स। यह जो पाचन ये क्या कहते हैं कि ये जो पाचन होता है उसको बढ़ा देता है। इसके अलावा जो भूख लगने वाली चीज़ होती है, मतलब भूख लगती है उस चीज़ को, उसको भी बढ़ाता है, और जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनके लिए लाभदायक है। वैरायटीज, इसकी जो इंट्रोडक्शन से वैरायटीज डेवलप्ड है, जैसे गोल्डन एकर, रेड एकर, सितंबर, याद रखना सितंबर इसकी एक खास किस्म है, कई बार पूछी जाती है किसकी किस्म है, ये जर्मनी से इंट्रोड्यूस्ड हुई है, ये नीलगिरी हिल्स के अंदर इसकी कल्टीवेशन होती है। ग्लोरी ऑफ इनखेजुइन, इसके अलावा कॉम्पेन गार्ड मार्केट, ये अगेती किस्म है, अर्ली वैरायटी है। इसके अलावा अगस्त है, ये भी अर्ली वैरायटी है, रेड कैबेज। इसके अलावा सिलेक्शन से जो डेवलप्ड है, प्राइड ऑफ इंडिया, ये गोल किस्म है और अर्ली वैरायटी है, पूसा अगेती अर्ली वैरायटी है, और ये फर्स्ट ट्रॉपिकल वैरायटी है जो ज़्यादा तापमान को सहन कर सकती है, ज़्यादा तापमान पे उगाई जा सकती है। हाइब्रिड किस्में है इसकी, पूसा ड्रम हेड ये ब्लैक लेग रेजिस्टेंट वैरायटी है, पूसा मुक्ता ये ब्लैक रोट रेजिस्टेंट वैरायटी है, पूसा सिंथेटिक, पूसा संबंध ये भी हाई सुटेबल फॉर हाई डेंसिटी प्लांटिंग, मतलब कम दूरी पे अगर प्लांटिंग करनी है, मतलब 1 हेक्टर के अंदर ज़्यादा पौधे लगाने हैं तो ये किस्म ज़्यादा सुटेबल है, और अर्ली वैरायटी है, सॉरी अर्ली मैच्योरिंग होती है, जल्दी पकाव लेती है, और एक सिंथेटिक वैरायटी है। अब सिंथेटिक वैरायटियाँ क्या होती हैं, जब एक से अधिक उच्च GCA वाले अंत प्रजातों का आपस में
सभी संभव संयोजनों का संकरण कराकर समान मात्रा में बीजों को मिश्रित कर लिया जाता है। तो इस प्रकार जो भी वैरायटी तैयार होती है उसे संश्लेषित या फिर सिंथेटिक वैरायटी कहते हैं। मतलब बहुत सी जिनके अंदर उनकी जनरल कोमाइनिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, इन ऐसी इनब्रीड लाइन का एक मिक्सचर होता है, ठीक है, जहाँ तो उसमें एक इनब्रीड लाइन हो सॉरी एक से अधिक इनब्रीड लाइन होनी चाहिए, उनको एक मिक्सचर बना लिया जाता है, उसको एज ए वैरायटी रिलीज कर दिया जाता है और इसको लंबे टाइम तक ग्रो किया जा सकता है। जबकि हाइब्रिड वैरायटी होती है उनको एक हर साल नई लेनी पड़ती है उसके बीज, इसमें ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। इसके अलावा क्वेस्टो है, श्री गणेश गोल है, उत्तम है, बजरंग है, ग्रीन बॉय है ये, और ग्रीन एक्सप्रेस, ये दोनों वैरायटियाँ हाई टेम्परेचर के लिए सुटेबल हैं। ग्रीन चैलेंजर है, ग्रीन कॉर्नेट है, स्वर्णा, विशेष, सुधा, गंगा, कावेन, यमुना, हरी रानी, मीनाक्षी, स्टोन हेड, नाथ लक्ष्मी 401, बीजो शीतल 32, BSS 32, NL 104। मतलब ये कुछ इसकी हाइब्रिड किस्में हैं जो कुछ प्राइवेट सेक्टर से भी निकली हुई है। कैबेज, क्लाइमेट, कैबेज रिक्वायर ए कूल एंड मॉइस्ट क्लाइमेट फॉर इट्स प्रॉपर ग्रोथ एंड प्रोडक्शन। जो कैबेज है ये ठंडे मौसम की फसल है, ठीक है, इसको ठंडे मौसम की आवश्यकता होती है और नम वातावरण की आवश्यकता होती है, ठंडे और नम वातावरण की, ठीक है। और जो उत्तरी भारत है वहाँ पे इसकी कल्टीवेशन ज़्यादातर विंटर सीजन के अंदर या सर्दियों के अंदर की जाती है। और ये जो कॉलीफ्लावर होती है, मतलब फूल गोभी की तुलना में ज़्यादा ठंड को सहन कर सकती है। टेम्परेचर ऑफ 12 to 16 डिग्री सेल्सियस आर रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ सीड जर्मिनेशन, और लगभग 12 से 16 डिग्री सेल्सियस तापमान इसके जब सीड जर्मिनेशन होता है उस टाइम होना चाहिए तो बीज का जर्मिनेशन अच्छा होता है। द प्लांट ग्रो स्टॉप व्हेन द टेम्परेचर गोज अबव 25 डिग्री सेल्सियस, और जैसे ही तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है तो इसकी ग्रोथ रुक जाती है। पर कुछ किस्में जैसे मैंने बताई थी ग्रीन बॉय, ग्रीन एक्सप्रेस, ये इससे ज़्यादा टेम्परेचर पे भी कल्टिवेटेड होती हैं, पर ज़्यादातर जो इसकी किस्में हैं वो 25 डिग्री सेल्सियस पे अपनी ग्रोथ स्टॉप कर देती हैं। सोयल, कैबेज कैन बी कल्टीवेटेड इन द वैरायटी ऑफ सोयल। जो कैबेज है बहुत सी प्रकार की मिट्टियों में कल्टीवेटेड की जा सकती है, परंतु जो सैंडी लोम या हल्की मिट्टी है वो अगेती किस्म के लिए अच्छी रहती है, और क्ले लोम या सिल्ट लोम जैसी भारी मिट्टियाँ हैं वो अगर मेन फसल है उसके लिए अच्छी रहती हैं। द एवरेज सोयल पीएच रेंज ऑफ 5.5 to 6.5, और जो एवरेज पीएच रेंज है मतलब 5.5 से 6 के बीच में होनी चाहिए। अगर थोड़ी सी एसिटिक है मिट्टी तो उसके अंदर चूना या लाइम डालकर उसकी उसे सही कर लेना चाहिए, बुवाई बुवाई से पहले उसको डाल देना चाहिए। सोइंग टाइम, जो अर्ली किस्में हैं उसकी जो बीज की बुवाई की जाती है वो अगस्त के अंदर की जाती है और उसकी ट्रांसप्लांटिंग लगभग 1 महीने बाद सितंबर में की जाती है। मेन फसल है उसकी सितंबर के अंदर बीज बुआई की जाती है, नर्सरी तैयार करते हैं, और उसकी प्लांटिंग ट्रांसप्लांटिंग मतलब वो अक्टूबर में करते हैं। लेट वैरायटी हैं उनकी अक्टूबर के अंदर सीड सोइंग की जाती है और नवंबर के अंदर उनको शिफ्ट किया जाता है मेन फील्ड के अंदर। इसके बाद सीड रेट एंड सीड ट्रीटमेंट, ठीक है, अबाउट 375 to 500 ग्राम सीड्स आर रिक्वायर्ड टू राइज नर्सरी फॉर 1 हेक्टर ऑफ लैंड। लगभग 375 से 500 ग्राम बीज 1 हेक्टर की पोत तैयार करने के लिए काफ़ी रहते हैं, इनफ होते हैं, ठीक है। पर कुछ किताबों के अंदर ये 700 ग्राम तक भी है, और कुछ ऐसा भी होता है कि ये अगेती और पछेती किस्मों के अंदर थोड़ी बीज दर की डिफरेंस रहता है। बिफोर सोइंग सीड्स इज ट्रीटेड विद 4 to 5 होर्स इन प्लेन वाटर टू एनहांस जर्मिनेशन, और बीजों को लगभग 4 से 5 घंटे तक पानी के अंदर भिगो के रखते हैं तो जर्मिनेशन अच्छा होता है बीजों का। सीड्स आर ट्रीटेड विद थायरम और कैप्टन 2 to 3 ग्राम पर केजी सीड बिफोर सोइंग।
इसमें एक बीमारी रहती है नर्सरी के अंदर, जितनी भी ज़्यादातर ट्रांसप्लांटेड वाली होती हैं जिनको पहले नर्सरी तैयार करते हैं उनमें नर्सरी में हमेशा ज़्यादातर प्रॉब्लम रहती है। जैसे अपने पहले टमाटर और बैंगन की कल्टीवेशन देख रहे थे, उसमें भी यही प्रॉब्लम थी डैम्पिंग ऑफ की। तो इसलिए बीजों को पहले थायरम या कैप्टान 2 ग्राम या 3 ग्राम पर kg बीज के हिसाब से ट्रीट करके उसके बाद उसमें बुआई करनी चाहिए। ठीक, इसके अलावा सोइंग द सीड इज सोन इन राइज नर्सरी बेड ऑफ 1.2 मीटर वाइड बिफोर सोइंग। नर्सरी बेड सोयल शुड बी स्टरलाइज विद फॉर्मेल्डिहाइड। नर्सरी बेड के अंदर क्या किया जाता है कि उसमें राइज जहाँ उठी हुई क्यारियाँ बनाई जाती है, लगभग 15 सेंटीमीटर उठी हुई जमीन से, और लगभग 1.2 मीटर जहाँ ये मान लो कि 1.5 मीटर चौड़ी लंबाई सुविधा अनुसार रखी जा सकती है, जितनी भी रखनी है। ठीक है, उसके अंदर उसके बाद उसकी जो मिट्टी होती है उसे फॉर्मेल्डिहाइड से स्टरलाइज किया जाता है। स्टरलाइज मतलब उसको निर्जमीकृत कह लो, कि उसमें से जो जीवाणु है या कोई भी बीमारी वाले फंगस है बैक्टीरिया है उनको ख़त्म करने के लिए उसके ऊपर फॉर्मेल्डिहाइड का स्प्रे किया जाता है। उसके बाद उसे पॉलीथीन ब्लैक पॉलीथीन से कवर कर दिया जाता है। इसके अंदर फ्यूम बनती है फॉर्मेल्डिहाइड से, जितने भी उसके जीवाणु होते हैं वो सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं। इस चीज़ को स्टरलाइजेशन कहा जाता है, सोयल स्टरलाइजेशन। ठीक है, इसके बाद जनरली सीड्स आर ब्रॉडकास्ट ऑन नर्सरी बेड। इसके बाद बीजों को नर्सरी की बेड की जो ऊपर वाली सतह होती है वहाँ पे ब्रॉडकास्ट कर दिया जाता है, छिड़क दिए जाते हैं, और एक पतली सी लेयर गोबर की खाद की या कंपोस्ट की उसके ऊपर फैला दी जाती है। मतलब बीजों को थोड़ा थोड़ा मिट्टी में या उसके अंदर कंपोस्ट के अंदर दबा दिया जाता है। उसके बाद तुरंत बाद सिंचाई कर दी जाती है। ठीक, और इसमें ज़्यादातर लाइन जो सोइंग होती है उसको फॉलो नहीं किया जाता भाई लाइन के अंदर। वैसे कर सकते हैं, पर ज़्यादातर क्या होता है कि ऐसी कंडीशन के अंदर जो डैम्पिंग ऑफ बीमारी है जो डैम्पिंग ऑफ डिजीज़ है वो ज़्यादा इंसिडेंस होता है, वो ज़्यादा दिखाई देती है फील्ड के अंदर। तो ब्रॉडकास्टिंग ज़्यादा बेटर रहती है लाइन सोइंग की तुलना में। इसके बाद सी फील्ड प्रिपरेशन, लैंड शुड बी प्लॉट 3 to 4 टाइम एंड मेक सोयल टिल्थ बेटर। जो खेत होता है उसे 3-4 बार जुताई करके मिट्टी को अच्छी भुरभुरी बना ली जाती है, और लास्ट प्लाइंग के ऊपर 20 से 25 टन गोबर की खाद मिट्टी में मिला दी जाती है। ट्रांसप्लांटिंग द सीडलिंग्स आर रेडी फॉर ट्रांसप्लांटिंग 4 to 6 वीक्स आफ्टर सोइंग। जो सीडलिंग्स होती हैं वो लगभग 4 से 6 वीक मतलब 1 से 1.5 महीने के अंदर तैयार हो जाती हैं मेन फील्ड में बुआई करने लायक करने के लिए। जो प्लांटिंग की जाती है कैबेज में ज़्यादातर फ्लैट जो क्यारी होती है समतल क्यारी उसमें भी की जाती है, और रिज बना के मेड़ों के ऊपर भी की जाती है। ठीक है, तो रिज वाली जो मेथड है इसमें ज़्यादा इकोनॉमिक रहती है, क्योंकि एक तो सिंचाई का पानी कम लगेगा, दूसरा उसमें जो क्या कहते हैं कि निराई गुड़ाई करने में आसानी रहती है, कम होते हैं बीड पूरी की पूरी क्यारी पे नहीं होते, और इसमें जो दूरी रखी जाती है एक मेड़ से दूसरी मेड़ की या एक लाइन से दूसरी लाइन की वो 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर रखी जाती है। ठीक, कल्टीवेशन दोनों तरीक़ों से की जा सकती है, मेड़ों पर भी की जा सकती है और फ्लैट जो समतल क्यारी होती है वहाँ भी की जा सकती है। मैन्योर और फर्टिलाइजर द कैबेज इज ए हैवी फीडर ऑफ न्यूट्रेंट्स। जो कैबेज है ये पोषक तत्वों की मतलब अच्छा रिस्पॉन्स देती है अगर इस हैवी फीडर होती है। जनरली 20 to 25 टन पर हेक्टर FYM शुड बी एडेड टू द सोयल एट द टाइम ऑफ फील्ड प्रिपरेशन। और जैसे ही खेत की तैयारी कर रहे होते हैं उस टाइम 20 से 25 टन गोबर की खाद मिला दी जाती है, और अगर मीडियम फर्टाइल सोयल है मध्यम उसकी फर्टिलिटी लेवल है मिट्टी का, तो उसमें 220 ग्राम नाइट्रोजन, 100 ग्राम फास्फोरस, 220 kg पर हेक्टर उसमें पोटाश डाला जाता है। इसमें वैसे ही जैसे फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा और नाइट्रोजन की आधी मात्रा सोइंग के टाइम में डाल देते हैं, जैसे जो बिजाई कर रहे होते हैं जहाँ जिस टाइम ट्रांसप्लांटिंग कर रहे होते हैं खेत के अंदर। ठीक है, जो रिमेनिंग डोज होती है नाइट्रोजन की उसे लगभग 5 से 6 वीक बाद खेत में डाली जाती है, लगभग 30 से 40 दिन के बीच में। ठीक, इरिगेशन द कैबेज इज रिक्वायर्ड ए कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ मॉइस्चर इन देयर एंटायर लाइफ।
कैबेज को हमेशा नमी बनी रहनी चाहिए फील्ड के अंदर, ठीक है। द क्रॉप शुड बी इरीगेटेड 10 to 12 days इंटरवल, और कैबेज की लगभग 10 से 12 दिनों के अंतराल पर इसमें सिंचाई करनी चाहिए। मतलब बहुत ज़्यादा सिंचाई प्रेफर नहीं की जाती, क्योंकि उससे क्या होता है कि जो हेड होता है वो खुलना स्टार्ट हो जाता है अगर ज़्यादा सिंचाई करते हैं तो, वो कम्पैक्ट नहीं बनता। व्हेन दैट हेड इज बिगनिंग टू डेवलप कंटिन्यूस लाइट इरीगेट द क्रॉप, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी इरीगेशन नहीं करना, लाइट इरीगेशन, जब वो विकास कर रहा होता है हेड बनने के बाद तो हल्की सिंचाई करते रहो, कंटिन्यू करते रहो। वीड कंट्रोल, वीडिंग वंस डन बिटवीन द इंटरवल ऑफ टू इरीगेशन, इसमें जो निराई गुड़ाई, वैसे तो बहुत ज़्यादा उथली फसल, ये कह लो कि उथली जड़ वाली फसल है, तो ज़्यादा निराई गुड़ाई इसमें प्रेफर नहीं की जाती, रिकमेंडेड नहीं है, पर फिर भी दो सिंचाइयों के बाद हल्की निराई गुड़ाई या वीडिंग की जा सकती है, ठीक है। तो इसमें इसके अलावा प्री इमर्जेंस जो हर्बिसाइड्स हैं उनका भी यूज़ किया जा सकता है, जैसे ऑक्सी फ्लोरफेन है 0.25 kg पर हेक्टर 1 दिन पहले ट्रांसप्लांटिंग के अगर खेत में डाला जाता है। इसके अलावा नाइट्रोफेन है 2 kg पर हेक्टर, और एलाक्लोर है, ये भी काफ़ी अच्छे इफेक्टिव हर्बिसाइड्स हैं, इनका भी यूज़ किया जा सकता है खेत को वीड फ्री रखने के लिए। हार्वेस्टिंग, व्हेन हेड अटेन फुल साइज एंड हार्ड इज हार्ड इट इज़ हार्वेस्टेड, जब जो इसका हेड होता है गोभी होती है, जब पूरा साइज ले लेती है, पूरे आकार की हो जाती है और बहुत ही कॉम्पैक्ट होता है हेड, जहाँ हार्ड होता है, कठोर होता है, तब उसको हार्वेस्ट कर लेना चाहिए, उसको काट लेना चाहिए। जो इसकी काटते क्या है कि उसको एक लंबा चाकू लेके उसको नीचे से हेड को काट लिया जाता है, इसमें लगभग छोटा सा ही तना रहता है, तो जमीन के पास में से इसको काट लिया जाता है, और उसके जो ऊपर वाले पत्ते रहते हैं जिससे वो कवर रहता है, तो उनको हटा दिया जाता है, जिससे कि हेड थोड़ा अट्रैक्टिव दिखाई दे और इसको हैंडलिंग करने में सुविधा रहे, ठीक है। इसके ऊपर पत्ते जो भी थोड़े बिखरे हुए से पत्ते होते हैं उनको निकाल दिया जाता है। ईल्ड, द ईल्ड ऑफ कैबेज वेरीज ऑन द सीजन वैरायटी एंड लोकेलिटी, जो उपज होती है वो क्लाइमेट, जो इसकी किस्में उनके सीजन के ऊपर, जैसे अगेती पछेती मध्यम जो किस्में उनके ऊपर, या फिर जो किस्में हैं उनको उनके ऊपर डिपेंड करती है, या किस कंडीशन के अंदर या किस क्षेत्र के अंदर इसकी कल्टीवेशन हो रही है उसके ऊपर डिपेंड करती है। और एन एवरेज यील्ड है जो इसकी कैबेज की 20 to 50 tons पर हेक्टर, मतलब 20 से 50 टन पर हेक्टर इसकी एक एवरेज यील्ड है। इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट, कैबेज एंड टर्निप एफिड, कैबेज या टर्निप एफिड, ये ब्रेविक कोरिनी ब्रेसिकेई एक स्पीसीज है, इसके कारण होता है। दिस इंसेक्ट इज मोर सीरियस ड्यूरिंग द लेट सीजन ऑफ द क्रॉप, इसमें होता क्या है कि ज़्यादातर ये जब अपने फसल थोड़ी लेट सीजन वाली रहती है, जैसे गोभी का सीजन ख़त्म हुआ उसके बाद कई बार क्या होता है, कुछ लेट किस्में होती हैं उनकी कल्टीवेशन चल रही होती है, तब या फिर क्या होता है कि अपने उस फसल को सीड प्रोडक्शन के लिए छोड़ा हुआ है, तो उस समय इसका प्रकोप ज़्यादा दिखाई देता है, और ये ज़्यादातर गुच्छे के रूप में, ये कह लो कि एक समूह के रूप में, झुंड के रूप में दिखाई देते हैं, जैसे मिलीबग दिखाई देती है, सेम वैसे ही ये क्या करते हैं कि जो पौधे के कोमल भाग होते हैं वहाँ से रस चूसते हैं। इसके अलावा इसमें रिंकल्ड हो जाते हैं, जो जहाँ पे भी ये पत्तियों के ऊपर या जहाँ पे भी इनका ग्रुप होता है वहाँ से पत्तियाँ इकट्ठी होनी या मुड़नी स्टार्ट हो जाती हैं, कर्लिंग स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा पत्तियाँ पीली पड़नी स्टार्ट हो जाती हैं, और जो पौधे की ग्रोथ होती है वो रुक जाती है, कम हो जाती है। इसके अलावा एक चिपचिपा सा पदार्थ जैसे मिलीबग छोड़ती है, सेम वैसा ही चिपचिपा सा पदार्थ एफिड हनीड्यू भी पौधे के ऊपर दिखाई देता है। कंट्रोल है, स्प्रे द क्रॉप विद मेलाथियोन और पैराथियोन इन सीड प्रोडक्शन, अगर सीड प्रोडक्शन कर रहे हैं तो मेलाथियोन और पैराथियोन का स्प्रे किया जा सकता है। अगर प्लांट की इनिशियल स्टेज के अंदर ऐसा दिखाई देता है तो भी मेलाथियन या पैराथियन का स्प्रे किया जा सकता है, परंतु जब कई बार क्या होता है कि उसका हेड बिल्कुल तैयार होता है हार्वेस्टिंग करने के लिए, भी थोड़ा टाइम ही बचा हुआ है हार्वेस्ट करना है, तो उस टाइम निकोटीन सल्फेट का स्प्रे किया जा सकता है जो ज़्यादा हानिकारक नहीं है, ठीक। डायमंड ब्लैक मॉथ, ठीक है, बैक मॉथ, सॉरी ब्लैक लिखा हुआ है, बैक मॉथ, ठीक है, ये
जाइलोस्टेला के कारण होती है। सॉरी, ये इसका साइंटिफिक नेम है, दिस इज ए मोस्ट डैमेजिंग पेस्ट ऑफ कैबेज, और ये भी एक सीरियस पेस्ट है इसका, कैबेज का। लार्वी ऑफ द पेस्ट फीड ऑन फोलियर टिश्यू एक्सपेक्ट लीफ वाइन्स, ड्यू टू दिस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इज चेक्ड एंड प्लांट ग्रोथ इज स्टॉप। इसके कारण ये क्या करती है, पत्ती के जो क्लोरोफिल वाला हरा हरा भाग होता है उसको खा जाती है, जो नसें होती हैं, जो शिराएं होती हैं उनको छोड़ देती है पत्तियों के, जिसके कारण जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया, वो चेक हो जाती है, वो रुक जाती है, और जिससे कि पौधे की वृद्धि भी रुक जाती है। इसके अलावा पत्तियाँ गिरना स्टार्ट हो जाती हैं। कंट्रोल क्या है, ग्रो मस्टर्ड विद द क्रॉप एज ए ट्रैप क्रॉप, मस्टर्ड जो है, सरसों है, उसको ट्रैप क्रॉप के रूप में चारों तरफ इस फसल के उगाना चाहिए कि भाई इंसेक्ट इसके ऊपर ना आए। इसके अलावा स्प्रे 4% नीम सीड कर्नल ऑयल, जो नीम के बीज का ऑयल होता है उसका 4% का स्प्रे भी बेनिफिशियल है। कैबेज हेड बोरर और स्टेम बोरर, हेलुला उंडेलिस, ये इसका साइंटिफिक नेम है। कैटरपिलर बोर द स्टेम लीव्स एंड हेड, इट मेक्स कैबेज अनफिट फॉर कंजप्शन। जो इसकी लट होती है या सुंडी होती है, वो तने के अंदर, पत्तियों के अंदर, और जो उसका हेड होता है उसके अंदर छेद करके उसको नुकसान पहुंचाती है, और वो फूल जो होता है वो खाने लायक नहीं रहता। ठीक, इसका कंट्रोल क्या है, स्प्रे द क्रॉप विद फेनवालेरेट 20 EC और साइपरमेथ्रिन या डेल्टा मैथ्रीन 20 EC, ठीक है, 250 ML की जो मात्रा है उसको लेके इसके ऊपर स्प्रे करना चाहिए। बायोलॉजिकल कंट्रोल भी किया जा सकता है, माइक्रो ब्रैकोन मेलस स्पीसीज है, ठीक है, ये एग पैरासिटिक पैरासाइट होते हैं। एपनेटेल क्रोसीडो, सॉरी क्रोसीडोल माई क्रोसीडोल मी, इन दो एग पैरासाइट को भी यूज किया जा सकता है इस इंसेक्ट के लिए बायोलॉजिकल कंट्रोल के रूप में। इसके बाद है डिजीज मैनेजमेंट, डैम्पिंग ऑफ पिथियम स्पीसीज, राइजोक्टोनिया स्पीसीज या फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम या फ्यूजेरियम स्पीसीज के कारण इसके अंदर डैम्पिंग ऑफ डिजीज दिखाई देती है। डैम्पिंग ऑफ ज़्यादातर नर्सरी बेड के अंदर ही शो होती है। इसमें जो पौधे का कॉलर रीजन होता है, जमीन से टच वाला तना, ठीक है, जहाँ से जमीन से टच होता है वहाँ से वो गलना स्टार्ट हो जाता है, और जिसके कारण जो प्लांट्स होते हैं या पौध होती है वो जमीन पर गिर जाती है, बेड के अंदर ही गिर जाती है और मर जाती है। कंट्रोल है, सीड शुड बी ट्रीटेड विद थायरम और कैप्टन 3 ग्राम, मतलब बीजों को बीज उपचारित करके ही बोने चाहिए, 3 ग्राम पर kg सीड, या फिर जैसे ही सोइंग करते हैं उस टाइम बुआई से पहले बीजों को थायरम या कैप्टन से उपचारित करें, ठीक है। इसके अलावा ड्रेंच द सोयल ऑफ नर्सरी बेड अराउंड द सीडलिंग विद कैप्टन, और या फिर जैसे ही आपने बुआई कर दी उसके बाद सिंचाई के साथ पानी के अंदर कैप्टन 200 ग्राम पर 100 लीटर वाटर के हिसाब से गोल बनाकर उसको ड्रेंच करना चाहिए नर्सरी बेड को जहाँ पे पौध उगी हुई है। उसके अलावा बिफोर सोइंग सीड शुड बी ट्रीटेड विद हॉट वाटर 50 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट, और जहाँ फिर क्या होता है कि जो जब बीज बो रहे होते हैं, बीजों को बोने से पहले 50 डिग्री सेल्सियस के गर्म पानी के से अंदर 30 मिनट तक डुबो के रखना चाहिए, इसको उपचारित करना चाहिए। इसके अलावा जो मिट्टी होती है नर्सरी बेड की, उसको स्टरलाइज किया जाना चाहिए फॉर्मेल्डिहाइड या किसी भी स्टरलाइज जो भी कंपाउंड है उनसे। सेकेंड डिजीज है डाउनी मिल्ड्यू, पर्नोस्पोरा पैरासिटिका के कारण होती है। इनिशियल सिम्टम्स आर शोन ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ एज पर्पलिश ब्राउन स्पॉट, लेटर स्टेज डार्क संकन स्पॉट्स आर सीन ऑन द स्टेम। डाउनी मिल्ड्यू क्या होते हैं, पर्नोस्पोरा इसके कारण होती है। इसमें जो पत्तियों की निचली सतह होती है वहाँ पे पर्पलिश ब्राउन कलर के धब्बे दिखाई देते हैं शुरुआत में, बाद में वो लेटर पूरी पूरी पौधे पे भी दिखाई देते हैं, पूरी पत्ती पे भी दिखाई देने लग जाते हैं, ऊपर की साइड भी दिखाई देते हैं, और बाद में, और जो उसकी बाद वाली स्टेज रहती है वो संकन स्पॉट, गहरे दबे हुए जो ये कह लो कि धब्बे तने पर भी दिखाई देती हैं। इसका कंट्रोल क्या है, फॉलो क्रॉप रोटेशन, फसल चक्कर को अपनाना चाहिए, मतलब बदल बदल कर फसलें बोनी चाहिए। दूसरा, कीप फील्ड वीड फ्री,
जो फील्ड है उसे वीड फ्री रखना चाहिए। बिफोर सोइंग सीड शुड बी ट्रीटेड विद हॉट वाटर, बुआई से पहले बीजों को गर्म पानी से उपचारित करके बोना चाहिए। इसके अलावा बीजों को थायरम या कैप्टान 2 ग्राम 3 ग्राम से उपचारित करके बोना चाहिए। थर्ड बीमारी है इसमें ब्लैक लैग, ब्लैक रॉट। ये जैंथोमोनास कंपेस्ट्रिस के कारण होती है। द इनिशियल सिम्टम्स इज वी शेप्ड येलो लेसन्स ऑन द एज ऑफ द लीव्स विच टर्न डार्क एंड ब्राउन लेटर। जो पत्तियों के किनारे होते हैं, एजेज होती हैं, वहाँ पे वी शेप के, इंग्लिश के वी शब्द है, उसके शेप के एक लेसन्स कह लो, घाव दिखाई देते हैं पत्तियों के ऊपर, जो बाद में डार्क हो जाते हैं या फिर ब्राउन कलर के हो जाते हैं। इसके अलावा पत्तियां माल फॉर्मेशन हो जाती है, विकृत हो जाती हैं एक तरीके से। इसके अलावा ब्लैकनिंग ऑफ वाइन्स, जो नसें होती हैं, शिराएं होती हैं पत्तियों की, वो काली पड़ जाती हैं, विच आर लेटली ड्राई अप। इसके बाद जो पत्तियां होती हैं वो सूखना स्टार्ट हो जाती हैं और मर जाती हैं। कंट्रोल है, सीड शुड बी हेल्दी एंड टेकन फ्रॉम हेल्दी प्लांट। जो बीज होते हैं वो हेल्दी होने चाहिए, स्वस्थ होने चाहिए और स्वस्थ पौधे से लिए गए होने चाहिए। बिफोर सोइंग सीड शुड बी ट्रीटेड विद हॉट वाटर फॉर 30 मिनट्स। 50 डिग्री के गर्म पानी के अंदर बीजों को ट्रीट करके बोना चाहिए। सीड शुड बी ट्रीटेड विद थायरम और कैप्टान 3 ग्राम पर kg सीड बिफोर सोइंग। 3 ग्राम पर kg बीज के हिसाब से थायरम या कैप्टोन से बीज को उपचारित करके बोना चाहिए। इसके अलावा स्प्रे द क्रॉप विद 1 ग्राम ऑफ स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन से के 1 ग्राम 1 लीटर के अंदर घोलकर उसका स्प्रे करना चाहिए। ठीक, थैंक यू।